नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। सिलीगुड़ी से डॉक्टर सौरभ गुहा, कैंसर स्पेशलिस्ट, वैसे तो ये डॉक्टर है पेशे से, लेकिन बॉडी बिल्डिंग नेशनल में जा रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सौरभ गुहा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसके लिए सबसे पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम जानना चाहेंगे कि आप कब से सीख रहे हैं या जिम में कैसे इंटरेस्ट है, हालांकि आप एक डॉक्टर हैं। देखिए, जैसे आपने बताया, प्रोफेशनली तो मैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट, बट मेरा जिम और बॉडी बिल्डिंग मेरा बचपन से ही, आई हैव बीन वेरी पैशनेट एंड आई हैव बीन वर्किंग आउट रेगुलरली लास्ट 4-5 साल से, बट लास्ट अबाउट 6 to 8 मंथ्स अंडर द गाइडेंस ऑफ माई कोच मिस्टर दीपंकर भट्टाचार्य, मैं स्पेशल उनका गाइडेंस में मेरा काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, और तब जाके मुझे ख्याल हुआ कि इफ़ आई कैन पार्टिसिपेट इन यू नो इन द नेशनल और द स्टेट लेवल, तो मुझे थोड़ा वो कॉन्फिडेंस मिला और सर के हेल्प से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और लास्ट मंथ में वेस्ट बंगाल में एक कंपटीशन हुआ था अंडर द वेस्ट बंगाल बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई वॉज नॉमिनेटेड, तो उसके वजह से आई हैव बीन सिलेक्टेड नेशनल में जाने के लिए। तो आई एम गोइंग ऑन 21st टू लुधियाना खेलने के लिए, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। लेट्स सी, आई हैव होप कि मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे, सो आई कम टू नो मोर अबाउट द स्पोर्ट, क्योंकि मेरा एम है कि सीखना लोगों से, ताकि विथ टाइम मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँ, और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, जैसे कि आप एक प्रोफेशनली डॉक्टर है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका, मतलब इंटरेस्ट कैसे जग गया? इंटरेस्ट देखिए, क्योंकि जनरली एज यू से वी आर वेरी बिजी विथ आवर प्रोफेशनल लाइफ, बट आदमी को टाइम तो निकालना पड़ता है फॉर देयर मेंटेनेंस ऑफ देयर फिजिक, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफ में टाइम नहीं मिलता है। बट मैं हमेशा, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स जिमिंग तो मैं रेगुलर करता ही था, बट दैट वॉज नॉट इन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल। बट एज आई सेड कि लास्ट 1 ईयर से कुछ कम टाइम से, जब से मैंने दादा के अंडर कोचिंग चालू किया है, दीपंकर सर के अंडर, थिंग्स हैव चेंज्ड, और मुझे अब जाके पता चला है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रॉपर डाइट क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे करना पड़ता है, तो क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते थे जिसके वजह से हम लोगों का प्रोग्रेस उतना अच्छा शायद नहीं हो रहा था, और अब जाके फिर हम लोगों का प्रोग्रेस हो रहा है, तो तब जाके चेंजेस हुआ है। यहाँ पे विशाल है, विशाल इज़ लाइक माई ब्रदर, सो ही हैज़ ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। तो जब आप ऐसे प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि क्या क्या गलतियाँ हो रहा था और कैसे उसको सुधारा जा सकता है, और आप क्या क्या छोटा छोटा स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। एंड स्पेशली विथ मी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आई एम ऑलमोस्ट 41 ईयर्स ऑफ एज, तो लोग जनरली 40 ईयर्स में लोग जिम जाना छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। हाँ, तो मैंने तब जाके शुरू किया है, और एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं ये उम्र में कर रहा हूँ। कौन से लेवल पे जा रहे हैं लुधियाना पे? सो दिस इज़ अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से देर इज़ अ टीम विच इज़ गोइंग, आई एम द वन फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड नॉर्थ बंगाल, सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल। हम लोग 19th को जाएंगे, 20th को वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, एंड 21st इज़ द मेन कॉम्पिटिशन। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टरी में तो आप कर ही रहे हैं, तो जिम को लेकर अगर यहाँ से आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, हम यही उम्मीद करेंगे जितने भी दर्शक हैं वो आपके लिए यही गुड विशेस करें कि आप वहाँ से जीते और अवार्ड लेकर के ही आए, तो क्या जिम के करियर में, बॉडी बिल्डिंग के करियर में आप आगे जाना चाहेंगे? नहीं, बॉडी बिल्डिंग मेरा करियर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आई एम अ डॉक्टर बाई प्रोफेशन। ये मेरा पैशन है, ये मेरा एक शौक है, ये मेरा एक क्या बोल सकते हैं, मतलब आई एम रियली क्रेजी अबाउट बॉडी बिल्डिंग, आई लाइक इट। आप मेंटेन कैसे करते हैं, कितने टाइम करते हैं? सो जनरली अब जो मेरा रूटीन है, मुझे 2 बार करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग में मुझे कार्डियो करना पड़ता है, विच आई डू अर्ली मॉर्निंग, 30 minutes, 45 minutes। उसके बाद इवनिंग को हम लोग का ट्रेनिंग रहता है, जो करीबन 1 से 1.5 घंटा चलता है एवरी डे। और ये मैं बोलना चाहूँगा कि विद टाइम जो हम लोग, मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ डाइट। तो आपका डाइट अगर आपका टाइम पे नहीं है और ठीक तरह से नहीं है, आप जितना भी जिम में 2 घंटा 4 घंटा लगा लो, यू विल नेवर गेट दैट रिजल्ट विच यू वॉन्ट। नींद कितनी ज़रूरी है? सो देर आर
थ्री थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. नंबर वन इज डाइट, नंबर टू इज एक्सरसाइज, नंबर थ्री इज रेस्ट. तो बॉडी को जैसे आप इतना हैमर कर रहे हो तो उनको रेस्ट भी उतना ही चाहिए. दिन में करीबन एटलीस्ट 7 घंटे का नींद, सॉलिड नींद आपको चाहिए. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम टाइम पे खाना, क्या खाना है वो जानना. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्योंकि पहले भी हम लोग जिम करते थे बट वी डिड नॉट नो अबाउट डाइट. आके हम लोग कुछ भी खा लेते थे, भूख लगता था. बट नाउ वी नो वॉट हैज़ टू बी ईटन, कितना खाना चाहिए. सबका बॉडी एक तरह का नहीं होता है. किसी का बॉडी में ये सूट करेगा, किसी का बॉडी में नहीं करेगा. तो वो सब स्पेसिफिक चीज़ सीखना चाहिए विद टाइम जो आप सीखते हैं. तो वो आपको विद टाइम आपको एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या छोटा छोटा चीज़ करने से तब जाके एक डिफरेंट अल्टीमेटली होता है. बिल्कुल. हम जानना चाहेंगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक, जैसे मैंने बोला, दादा दीपंकर दा हु हैज़ हेल्प मी. विशाल इज़ लाइक माई ब्रदर. आई टोल्ड ही इज़ द ओनर ऑफ द जिम. ही हैज़ हेल्प मी अलॉट. माई फैमिली हु हैज़ हेल्प मी. मेरे कुछ दोस्त, मिस्टर राज हु हैज़ हेल्प मी. माई फ्रेंड सुशांता हु हैज़ हेल्प मी अलॉट. सो दीज आर द फ्यू पीपल हुम आई वॉन्ट टू से थैंक्स. एंड मैसेज यही है कि आई एम गोइंग. सच बात यह है कि आई एम नॉट गोइंग दैट टू विन, बिकॉज आई नो दैट देर विल बी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स. ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिला है. आई एम गोइंग देयर टू लर्न. मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो शायद हम लोग अभी तक टीवी में देखे हैं. तो सामने देखने को मिलेगा, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शायद मिलेगा जो बाद में मुझे हेल्प करेगा. एंड परहैप्स नेक्स्ट ईयर और उसके बाद जब मैं और अच्छा प्रिपरेशन लेके जाऊँ तो वो शायद मुझे और हेल्प करेगा. तो वही है, देखते हैं क्या होता है. आई एम गोइंग देयर टू एंजॉय. आई एम गिविंग माई 100%. उसके बाद वी विल सी व्हाट हैपेंस. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. और हम चाहेंगे कि काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट इनके रहें और इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहे. वो वहाँ से जीत के सिलीगुड़ी का नाम, उत्तर बंगाल का नाम रोशन करें. बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं. हमारे साथ विशाल जी भी जुड़े हुए हैं जिम के. तो आप बताइए कि वास्तव में ये यहाँ पर कैसे जिम करते हैं और कैसे आप लोग इनको गाइड करते हैं. इनका वर्कआउट काफ़ी अच्छा है. जब से इन्होंने आया काफ़ी सीरियस है. अक्सर मैं देखता हूँ 40 ईयर्स अब बंदे, मैं इतने साल से हूँ इस लाइन में, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से, तो कभी इतना नहीं देखता हूँ कि 40 ईयर्स अब बंदा कोई इतना सीरियस हो एक्सरसाइज पे. इनका सीरियसनेस काफ़ी अच्छा है. फर्स्ट डे से, फ्रॉम फर्स्ट डे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बहुत सीरियस है एक्सरसाइज लेकर, डाइट लेकर. हमेशा जानना चाहते हैं क्या, किस तरह प्रोग्रेस करे, किस तरह क्या करे, आगे कैसे बढ़ना है. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है. वो हमारे यहाँ क्लब से जा रहे हैं, हमारे यहाँ से जा रहे हैं, जिम से जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल में. सो ये काफ़ी बड़ा है प्लेटफॉर्म उनके लिए भी, फर्स्ट टाइम. क्या गुड विशेस देना चाहेंगे? हमारे तो पूरी टीम, हमारे जो पूरे क्लब के यूनिट की तरफ से पूरे विशेस है उनके साथ. इवन मैं अभी उनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या मैं भी देखता हूँ उनसे, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करता हूँ. मैं क्या उनका पोज लेकर, सब कुछ लेकर, सभी कुछ उनके साथ शेयर करता हूँ. सो काफ़ी उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. फर्स्ट टाइम है उनके लिए एक नेशनल कॉम्पिटिशन इतने बड़े प्लेटफॉर्म में. बहुत बहुत धन्यवाद. तो बातचीत करते विशाल जी से और डॉक्टर गुहा से. तो वो जा रहे हैं, आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप भी यही शुभकामनाएं उन्हें दीजिए ताकि वो जाए और जीत करके आए. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का. अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा. और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान. वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है. घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection,
high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी।